खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर दिन भर की बड़ी खबरें। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी ने पहली बार भाषण दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जागरूक होना ही देशभक्ति है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि रोजगार 15 लाख के वादे का क्या हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी की उपस्थिति में हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे पहले खुद हार्दिक पटेल ने ऐलान किया था कि वो आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसी चर्चा है कि गुजरात की जामनगर सीट से वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि इसे लेकर अभी पुष्टि नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य में लोकसभा की सभी 42 सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए 10 मौजूदा सांसदों के नाम काट दिए। इस लिस्ट में 41% उम्मीदवार महिलाएं हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के साथ गठबंधन की नाकाम कोशिशों के बाद अब उसे पंजाब कांग्रेस की तरफ से भी झटका लगा है। कांग्रेस ने पंजाब में पार्टी से किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी मार्च के 89 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर बापू को याद किया। इस ब्लॉग में पीएम मोदी ने बापू के बहाने से कांग्रेस के चाल चरित्र और परिवारवाद पर निशाना साधा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।